गुड मॉर्निंग नाइन्थ क्लास, कैसे हो सभी? सब बढ़िया। आज हम फिजिकल में लेसन 8, बहुत लंबा लेसन है, सेफ्टी एजुकेशन एंड फर्स्ट एड के बारे में भी, आप सेफ्टी के बारे में भी मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, ठीक है, कि कैसे हम घर में भी चोट लगने के, रोड पे, स्कूल पे बचाव कर सकते और चोट लगने पे हम कैसे उनको फर्स्ट एड, प्राथमिक डॉक्टर के आने से पहले सहायता दे सकते हैं, ठीक है। आज हम जो करेंगे इसमें कुछ चोटों के कारण, ठीक है, आज हम फर्स्ट करेंगे मोच किसे कहते हैं। मोच किसे कहते हैं? और इसमें हम प्राथमिक सहायता कैसे दे सकते हैं? प्राथमिक सहायता, और हम इनमें से प्राथमिक सहायता कैसे देते हैं? मोच भी कोई पता होगा और इसके कारण लक्ष्य, प्राथमिक मोच किसे कहते हैं और प्राथमिक सहायता कैसे दी जाती है, मोच के बारे में हम करेंगे, ठीक है। पता ना, जाते जाते पैर मुड़ जाता है, पैर पे चला नहीं जाता, मांस फर जाता है, हम उसको कहते हैं मोच। आज हम इनके बारे में डिटेल से करेंगे, तो आप इनको एक बार ध्यान से देखें कैसे करना है इसको। मोच किसी जोड़ के बंधन का फट जाना मोच कहलाता है। साधारणतः टखनी, घुटने, रीढ़ की हड्डी तथा कलाई में मोच आ जाती है। क्या बोला? किसी जोड़ की बंधन का फट जाना मोच कहलाता है, ठीक है। जैसे हाथ है, ये हमारा बंधन, पैर वहाँ बंधन, तो ये जो थोड़ी सी जी चीजें हड्डी आपस में हिल जाती है, वहाँ फट जाते हैं मांस, तो वो मोच, वो हड्डी हिल जाए तो उनके दर्द होती है, स्वेलिंग आ जाती है, तो ये हमारी मोच। मोच भी तीन प्रकार की होती है, लेकिन मोच के प्रकार, टाइप ऑफ स्प्रिंग, नरम, दरमियानी और पूरन। मोच के प्रकार, नरम, दरमियानी पूरन। तीन तरह की मोच होती है, नरम, दरमियानी और पूरन मोच, ठीक है सभी। नरम मोच, इस दिशा में मोच की जगह में कुछ कमजोरी, सूजन तथा पीड़ा अनुभव की जाती है। नरम मोच में क्या होता है? हल्की सी सूजन आ जाती है और दर्द होती है। दरमियानी में इस दशा में सूजन तथा पीड़ा में वृद्धि हो जाती है, ज्यादा सूजन आ जाती है, ज्यादा ही में पीड़ा होती है। पूरे मोच, इस दशा में पीड़ा बहुत ज्यादा, वो सहन नहीं होती, पहली में हल्की दर्द सूजन, दूसरी में उससे ज्यादा, तीसरी में बहुत ज्यादा
ये तीन तरह की हो जाती है। किसी ने हल्का सामान पैर मुड़ता है तो जल्दी ठीक हो जाता है, कि जब जल्दी ठीक नहीं होता अब ज़्यादा दिनों तक रहती है तो हमें डॉक्टरों को दिखा जाना पड़ता है। हाँ जी, इसके कारण कैसे कैसे होते हैं। गिल्ली जगह होती है ना, पैर फिसल जाना, पैर फिसलने से ये आपके मोच आ जाती है। कारण जगह पे, गिली जगह पे पैर फिसलना तो उसके कारण मोच आ जाना, खेल के मैदान में गड्ढे आदि का होना, मैदान में पड़े कंकर आदि के पैर आ जाना, अनजान खिलाड़ी का गलत ढंग से खेलना, अखाड़ों को ठीक तरह से गोडी ना करना, गोडी में जो मिट्टी होती है उसको ऊपर नीचे करके नरम सॉफ्ट बनाया जाता है, अगर उसमें कोई कंकर आ जाए या पैरों में आ जाए तो वो अगर आपके लग जाए तो वहाँ पे मोच आ जाती है। क्या क्या कारण बोले, गिली जगह पे फिसलना, मैदान में पड़े कंकर आदि आना, खेल के मैदान में गड्ढे आदि होना, अनजान खिलाड़ी का गलत ढंग से खेलना, अखाड़ों को ठीक तरह से गोडे ना करना, ये सभी जो है हमारे मोच आने के कारण हो सकते हैं। चिन्ह क्या है, कैसे पता चलेगा कि मोच आ गई है, लक्षण इनके, चिन्ह इनके क्या क्या होती है। थोड़ी देर बाद मोच आने वाली जगह पर स्वेलिंग हो जाती है और स्वेलिंग के कारण दर्द भी होता है। मोच आने वाले भाग की सहन करने, कार्य करने की क्षमता कम हो जाती है। क्या होती है, इसमें जब मोच आती है तो उसकी जो वहाँ पे स्वेलिंग आ जाती है तो काम करने की क्षमता जो है वो कम हो जाती है। गंभीर दशा की मोच दशा में जोर की ऊपरी त्वचा का जो नीला हो जाता है, देखते हो ना आप कभी जब पैर थोड़ा सा स्लिप हो गया तो पैर नीला हो जाता है, स्वेलिंग आ जाती है, पैर पे भार नहीं पड़ता, चला नहीं जाता। इस ऐसी छोटी छोटी जो घरों में मोच आ जाती है उनको हम प्राथमिक सहायता कैसे देते हैं। अगर डॉक्टर के पास एकदम से नहीं जाया जाता तो हम उसको घर में कुछ तो हम कर सकते हैं ना, कैसे करते हैं उनकी प्राथमिक सहायता, फर्स्ट एड हम कैसे देते हैं। जिस जगह पर चोट आई हो वहाँ जरा भी हिलजुल नहीं होनी चाहिए। अगर पैर पे आ गई, हाथ पे आ गई तो सीधे का सीधा हाथ रखो, हाथ को हिलाना जुलाना नहीं, ठीक है। सेकंड, मोच वाली जगह पर 48 घंटे तक ठंडे पानी की पट्टियाँ रखनी चाहिए, ठंडा पानी बर्फ पट्टियाँ करनी चाहिए। मोच वाली जगह पर भार नहीं डालना चाहिए। टेक्निक में मोच आने की दशा में आंख के आकार की पट्टी ऐसे टेढ़ी से बांध देनी चाहिए। आप पट्टियों को भी अलग अलग आकार होते हैं तो यहाँ पर आपको बोला उसमें आंख के आकार की पट्टी जो है वो बांधनी चाहिए, ठीक है। तो ये हमें आठ प्रकार की जो पट्टी है टाइट, ये सीधी पट्टी भी बन जाती है लेकिन आठ की शेप में जो पट्टी आए वो बांधनी चाहिए। मोच वाली जगह पर 48 से 72 घंटे के पश्चात सेक देना व मालिश करनी चाहिए। पहले हम क्या कहा था कि उसको 48 घंटे तक ठंडे बर्फ की पानी के टकोर, उसके बाद 48 घंटों के बाद मतलब 3 दिन के बाद उसके ऊपर सेक करना चाहिए, टकोर देनी चाहिए। हड्डी टूटने की शंका पर एक्सरे करवाना चाहिए, मोच ठीक होने के बाद जो क्रियाएँ करनी चाहिए। हमें घर में उनको सहायता तो देनी चाहिए लेकिन ज़्यादा नहीं देना कि हम घर की सहायता देते रहे और उसके दर्द जो है सहन से बाहर, तो हमें डॉक्टरों की राय भी लेनी चाहिए। एक्सरे करवाओ, देखो ज़्यादा तो नहीं है, डॉक्टर के पास जाओ, डॉक्टर को दिखाओ, ठीक है। छोटे मोटे हम थोड़ा बहुत घर पर भी दे सकते। ये था हमारा मोच कारण प्रकार और उनको कैसे हम प्राथमिक सहायता दे सकते हैं। अपनी अपनी नोटबुक पे करेंगे जल्दी से, उसके बाद फिर दोबारा करेंगे दूसरा टॉपिक।
मेरे सभी जी कर लिया। ये तो घर में जो छोटी छोटी सी चोटी लगती हैं, ठीक है, उनकी रोज आ जाती है। अब मैं आपको एक बार घर में किचन में काम करते हुए, ठीक है, कभी जल जाते हैं, आज हम आप जलने का भी विचार बताएंगे। जलने इसका कारण मीना बदल, इसके कारण लक्षण लक्षण करेंगे और चिकित्सा का हम प्राथमिक सहायता क्या दे सकते हैं। ठीक है, क्या क्या करेंगे? जलने का, जलना, उसके कारण ये अपने अपनी नोटबुक पे सभी लिख ले। जलने के कारण जलना, जैसे किचन में काम करते हुए हाथ पैर जल जाना, ठीक है, किसी बात क्या होता, गर्म पानी डल जाना, गैस कपड़े ऐसे पहने हुए कपड़ों के पीछे जैसे हम खड़े हैं इसके पीछे आग लग जाना तो जल जाना, ऐसे ही जलने का मीनिंग क्या है, कई बार काम काज करते समय हाथ पांव जल जाती हैं, ऐसा प्रायः लापरवाही के कारण होता है। रसोइयों, प्रयोगशाला, कारखानों में काम करने वाले व्यक्तियों को से कई प्रकार की दुर्घटनाएं किचन में देखते हो ना, चाय रखी गरम, हाथ लगा वही होती, हाथ लगा चाय ऊपर, कुकर में सब्जी है देखा उसके ऊपर भाप निकली, तो ये चीजें जो होती हैं जलने का जल जाते हैं, उसके कारण क्या क्या हैं हम पहले इसके करेंगे। कारण जलने के कारण क्या क्या है, जलन आग या किसी गर्म धातु को छू जाने के कारण ही, बस क्या है कि गर्म के गर्म गर्म धातु जैसे तवा ही किचन में काम कर रहे हैं, तवा ही है, तवे को हाथ लग गया तो हाथ जल गया, हमें नहीं पता कोई पतीला गर्म है जैसे हमने जाके ऐसे पतीला पकड़ा पूरा हाथ उंगली जल गई, बच्चा है बच्चे ने पकड़ ली चीज, कुछ भी इसका कारण हो सकता है ना, गर्म धातु कारखानों में भी होती है तो गर्म धातु को पकड़ने से जल जल जाती है। बिजली का करंट लगने से, आसमानी बिजली पड़ने से भी जलन हो जाती है, जब करंट लगता है तो वो
हाथ जल जाता है। तेज घूमते रस्से तार जहाँ पहिए की रगड़ से भी जलन हो जाती है। तेजाब का पता है ना, ऐसे जो होता है वो अगर हाथ में आ जाए तो वो जलन हो जाती है। उबलते पानी, भाप, गरम घी, दूध, तेल आदि द्वारा तो चलने से जख्म हो ही जाती है। देखो कभी कभी हम तेजाब करते हैं तो जैसे हम ढक्कन नहीं खोला जोर लगा के खोलते, जैसे खोलते एकदम से गिरता है तो वो हाथ जल जाता है। जहाँ हमारे जहाँ बॉडी पर कहीं भी गिर जाए तो वो जल जाता है, जिससे हमें नुकसान। ठीक है, तो ये जलने के कारण है जो आपका जल जाता है। और इसके लक्षण क्या है, जलने से क्या होता है, चमड़ीला हो जाती है और छाले पड़ जाती हैं। चमड़ी लाल हो जाना और उनके छाले पड़ जाना, जलन से चमड़ी लाल, जली हुई जगह पर दर्द होती है, चमड़ी या उसके नीचे के तंतु भी नष्ट हो जाती हैं। जलने से सदमे में भी हो सकता है, जले हुए अंग बढ़ते लगते हैं। देखता है कभी कभी आपके ऊपर गर्म गर्म पानी पड़ जाए हाथ के ऊपर तो हाथ कैसे लाल हो जाए, और ज़्यादा भी हो तो इतने मोटे मोटे छाले हो जाते हैं। तो ये जलने से ही ये छाले हो जाते हैं, चमड़ी जो है भद्दी लगनी शुरू हो जाती है, इसके अंदर की जो स्किन होती है ना जहाँ पे ये देखो जी अंदर से स्किन वो जल जाती है। हल्का सा भी गर्म चीज लगती है तो वो जलना स्टार्ट हो जाती है, तो उसमें धूप भी हल्की सी धूप तेज लगती है। ठीक है, वो ही जलने के हमारे लक्षण दिखाई देते हैं जिससे हमें पता चलता है कि ये अब हम देखेंगे इसको हम फर्स्ट एड कैसे देंगे। फर्स्ट एड जो हम इनको देंगे क्या करेंगे, रोगी के कपड़े नहीं उतारने चाहिए। ठीक है, जले हुए स्थान को कीटाणु रहित ड्रेसिंग से ढक देना चाहिए और रुई रखकर कसकर पट्टी बांध देनी चाहिए। शालों को कदापि नहीं फोड़ना चाहिए, शालों पर जो पट्टी रखनी बिल्कुल ढीली, अगर शाले हो जाए तो फट जाएंगे तो वो ज़्यादा जख्म बढ़ जाते। रोगी को कंबल में लपेट देना चाहिए ताकि उसका शरीर गर्म रहे। क्या हो जाए कि अगर कोई जल जाता है तो उसके शरीर को गर्म रखना है और उनको इससे बचाना है। रोगी को गर्म दूध या चाय देनी चाहिए, एक गिलास में दो चम्मच मीठा सोडा डाल कर जले हुए स्थान को धोना चाहिए। पानी को पहले थोड़ा सा गर्म कर लें, इससे दर्द कम होती। लेकिन आजकल तो ये भी कहते हैं ना गर्म कंबल में ना लपेटो, उनको पानी में कहते हैं ना कहीं से जल जाए, जल जल्दी हाथ हम भी पानी में रखते। लेकिन एक चीज़ बताऊँ, पानी में रखने जो ठंडा करने से जब तक उसके हाथ में ठंडा है तो ठंडा रहता है, नहीं हो तो फिर जलन होनी शुरू। तो उनको बचाने के लिए हमें हल्का सा कोसा सा गर्म करके उसकी जगह से उसको धोना चाहिए। यदि तेजाब आदि से रोगी जला हो तो जले हुए स्थान को पानी से धोना चाहिए। यदि कोई बच्चा जल जाए तो उसे कपड़ों समेत उसे खारे मिश्रण में बिठा देना चाहिए। यदि खारा घोल उपलब्ध ना हो तो नमक वाली घोल का भी प्रयोग कर सकते हो। जब तक डॉक्टरी सहायता ना मिल जाए बच्चे को उसी दिशा में ही रखना चाहिए। जले हुए भाग को स्थिर रखने के लिए पट्टियाँ या पट्टों का प्रयोग करना चाहिए। यदि व्यक्ति के कपड़ों को आग लग जाती है तो उसके ऊपर मोटे कपड़े कंबल कोट लपेट देना चाहिए। क्यों भाई, क्योंकि उसको बाहर से ऑक्सीजन ना मिले। जब उसको ऑक्सीजन मिलती है तो आग और बढ़ती है। जब हम उसके ऊपर उतना मोटा कपड़ा डाल देंगे तो उसके ऊपर ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो आग वहीं बंद हो जाएगी।
आग बंद जलेगा जो, लेकिन आग आगे आग नहीं बढ़ेगी। जितना जितना आप आग लगे के बाहर भागोगे करोगे, अगर आग लगी हुई है तो वो आग उतनी ही ज़्यादा मचती है, उतनी ज़्यादा तेज होती है। उपरोक्त प्राथमिक सहायता करने के बाद रोगी को किसी अच्छे डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। क्या करना चाहिए? अच्छे डॉक्टर के पास दिखाना चाहिए कि रोगी को ज़्यादा तो नहीं लगी। हम घरेलू उपचार तो कर देते हैं लेकिन ये हमें नुकसान भी देती है, ज़्यादा नुकसान। अगर तभी करें जब हम उस चीज़ का पता, ठीक है। हर टाइम डॉक्टर की अपनी अपनी राय होती है, लेकिन डॉक्टर की राय भी लो तो उसी टाइम थोड़ा सा देख के पास पता करके ठंडे पानी या गर्म पानी से जो से भी कहा जाता है उसको धो के और उनको डॉक्टर से दिखाना चाहिए। यानी हमने सहायता तो कर दी है, आपकी ठीक ठीक चोट ठीक हो गई है, चलो भाई ठीक है, अपने डॉक्टर के पास जाना सबसे जरूरी। ये थे आपके जलने के कारण, लक्षण और चिकित्सा कि कैसे हमें उनको प्राथमिक सहायता दी। सभी करिए एक बार अपने अपने नोटबुक पे। गुड। ऐसे ही कोई भी चोट लग जाए तो हमें उनको करना चाहिए, जैसे सांप के डसने पर क्या करना चाहिए। हमारे देश में कई प्रकार के सांप पाए जाती हैं जिसकी डसने पर कई बार बच्चों की तुरंत मौत भी हो जाती है। ऐसी स्थिति में किसी प्रकार की प्राथमिक सहायता मिल जाए तो उसकी जान बच सकती है। सबसे पहले रोगी को डंक वाले अंग जहाँ डंक किया हो वहाँ के खून का दौर रोकने का तुरंत प्रयत्न करना चाहिए। जख्मी के हृदय की और ऊपर वाले भाग के कपड़े या रस्सी से बांध देना चाहिए। डंक वाले स्थान को साफ पानी से साफ करना चाहिए। फिर डसे हुए स्थान पर एक इंच लंबी और आधा इंच गहरा कट कर देना चाहिए चाकू और ब्लेड से। रोगी को चलने फिरने या हिलने जुलने नहीं देना चाहिए। रोगी को गर्म चाय देनी चाहिए, उसे गर्म रखना है, उसे सोने नहीं देना चाहिए। रोगी को सदा खुली हवा में रखें। रोगी को हौसला देते रहना चाहिए ताकि वह घबरा कर देना छोड़ बैठे। ऐसे व्यक्ति को डंक निकालने वाले या मुंह से विष चूसने वाले व्यक्ति के पास ले जाना चाहिए, लेकिन उससे पहले उनको थोड़ी बहुत घर पे भी हम सहायता दे सकते हैं। देखो ये थी हमारी सांप को डसने के कारण। सभी करें मिलते हैं। तो ये थे हमारा आई बेटा फिजिकल का, मैं जो आपको थोड़ा सा जलने ठीक है, जो आपको अच्छे से इनको यूज कर सके। ओके बेटा, हैव ए नाइस डे।